हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। लास्ट हम लोगों ने एक चैप्टर ख़त्म किया था एवरेज ड्यू डेट, और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंट करंट। तो लास्ट क्या हम लोगों ने बात की थी, अकाउंट करंट इज़ व्हाट, बेसिकली अ स्टेटमेंट। मैंने आपको समझाया था कि अकाउंट्स में दो बेसिक टर्म यूज़ होती है, फर्स्ट इज़ अकाउंट, अकाउंट एंड सेकेंड इज़ अ स्टेटमेंट। अकाउंट मतलब टी फॉर्मेट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट होता है, और स्टेटमेंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स है जो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में बनाते हैं। तो अकाउंट करंट इज़ अ स्टेटमेंट, अकाउंट करंट एक स्टेटमेंट है जो एक पर्सन बना के दूसरे पर्सन को सेंड करता है, और उसका पर्पज़ क्या है, टू इंटीमेट रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन्स कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, सेकेंड टू इंटीमेट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेशन कि किस ट्रांजेक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ है, और थर्ड मेन ऑब्जेक्ट इज टू इंटीमेट रिगार्डिंग द फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की फाइनल बैलेंस कितना है। तो अपन ने कहा था कि सपोज अगर दो पर्सन है राम और श्याम, अगर इफ देर आर टू पर्सन राम एंड श्याम, और दोनों के बीच में क्या है परचेज सेल के ट्रांजेक्शन है, और दोनों ने डिसाइड किया है कि वो फाइनल पेमेंट कब करते हैं, मंथ एंड में करते हैं। अब जनवरी में मान लो कि अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, दोनों के बीच में अगर बैलेंस अगर टैली नहीं होता है, तो क्या करेगा इस केस में राम या श्याम, दोनों में से कोई एक पर्सन क्या करेगा। जैसे राम है तो राम क्या करेगा, श्याम के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए उनका एक स्टेटमेंट बना देगा कि साहब ये हमारे तो ये ट्रांजेक्शन मेरे तुम्हारे साथ हुए हैं और उस पर इतना इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, और वो बना के सेंड कर देगा। तो उसको रिसीव करके शाम को ये पता चल जाएगा, उसको रिसीव करके शाम को ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन पे कितना कितना इंटरेस्ट है। अब कोई बच्चा क्वेरी पूछता है, सर अगर उसने अकाउंट करंट गलत बना दिया। अरे बेटा, ऑब्जेक्ट गलत अकाउंट करंट बनाने का थोड़े है, उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं लिखा तो फिर टैली नहीं होगा। अरे वो तो है ही है ना, सब कुछ सही होगा तो होगा ना। तो यहाँ मेन पर्पज़ क्या है कि अगर दो पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन्स हैं, तो एक पर्सन को अगर दूसरे पर्सन को अगर इन्फॉर्म करना है, बताना है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हुए, किस पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, किस पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट, फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना, ये इन्फॉर्म करना है, तो ये एक तरीका होता है अकाउंट करंट बनाने का। तो अगर राम अकाउंट करंट बना रहा है तो सिंपली वी आर इन द बुक्स ऑफ राम, हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे हम लोग राम हैं, और हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, श्याम का अकाउंट बना रहे हैं। और अगर श्याम अकाउंट करंट बनाएगा तो हम लोग ऐसे बनाएंगे जैसे वी आर इन द बुक्स ऑफ श्याम एंड वी आर प्रिपेयरिंग राम्स अकाउंट। समझ में आया? तो अकाउंट करंट बनाने, अकाउंट करंट सबसे इंपॉर्टेंट, अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट, वो एक स्टेटमेंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। उसका फॉर्मेट हम अपने हिसाब से डिज़ाइन करते हैं, और पर्पस क्या था बुक्स ऑफ अकाउंट करंट सेंड करने का, टू इंटीमेट व्हाट थ्री चीज़ें, क्या क्या तीन चीज़ें इंटीमेट करनी है। फर्स्ट डिटेल कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंटीमेट करना है, दूसरा हर ट्रांजेक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, और तीसरा फाइनल बैलेंस कितना है। ये इंटीमेट करने के लिए एक पर्सन अकाउंट करंट बना के दूसरे पर्सन को सेंड करता है। समझ में आया? तो अकाउंट करंट बनाने के लिए अगर हम लोग स्टेप वाइज बात करें, तो सबसे पहले आप अकाउंट करंट का क्या करो, फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट में सबसे पहले आता है हेडर। हेडर का जो है वो क्या तरीका है, सोचो रिसीविंग पार्टीज़ नेम इन अकाउंट करंट विद सेंडर पार्टी। तो हेडर आता है रिसीविंग पार्टीज नेम इन अकाउंट करंट विद सेंडर पार्टी अप टू, जहाँ तक आप बना रहे हो सेटलमेंट डेट जो भी है आपकी। तो उससे साफ पता चलता है कि रिसीविंग पार्टी नेम, मतलब जो रिसीविंग पार्टी उसका अकाउंट है, और जो सेंडर पार्टी वो ये अकाउंट करंट क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। तो सपोज एक्स अकाउंट करंट बना के वाई को सेंड कर रहा है, अगर एक्स अकाउंट करंट बना के वाई को सेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ उसका हेडर क्या आएगा, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स अप टू जो भी डेट होगी वहाँ तक। तो हम लोग वाई का अकाउंट बना रहे हैं, वो वाई का अकाउंट है। अब वाई का अकाउंट होने का मतलब किसी भी एंट्री में वाई डेबिट होगा तो उस अकाउंट के डेबिट में आएगा, और किसी भी जर्नल एंट्री में अगर वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा तो वो वाई के क्रेडिट साइड में आएगा। तो वाई इज अकाउंट करंट विथ एक्स, मतलब हम लोग वाई का अकाउंट बना रहे हैं, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स। समझ में आया? और फॉर्मेट में क्या है, फाइव कॉलम्स डेबिट साइड में, फाइव कॉलम्स क्रेडिट साइड में। कॉलम्स में क्या था, फर्स्ट थ्री कॉलम नॉर्मल है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, उसके बाद दो कॉलम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, डेज और इंटरेस्ट। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। फिर क्या बोला था मैंने, फॉर्मेट बनाने के बाद आप ट्रांजेक्शन्स को क्या करो, फॉर्मेट बनाने के बाद आप ट्रांजेक्शन्स को नॉर्मल वे से क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने के बाद अपने को उस पर क्या होता है, पीरियड डेज कैलकुलेट करना होता है। और लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि डेज का कैलकुलेशन कहाँ से होता है, ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक, ड्यू डेट से सेटलमेंट डेट तक का डेज कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद आपको क्या होता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है,
फिर जब अगर हम लोग सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, सब पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो आपके पास दो बैलेंस है, एक अमाउंट का और एक इंटरेस्ट का। तो पहले आप इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करो, वो बताएगा कि कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल है या पेएबल है। फिर इंटरेस्ट कॉलम का जो बैलेंस होता है वो हम लोग अमाउंट कॉलम में लिख के फिर अमाउंट को बैलेंस करते हैं। तो पहले इंटरेस्ट कॉलम बैलेंस होता है, फिर उसका बैलेंस हम लोग अमाउंट कॉलम में लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग अमाउंट कॉलम को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। समझ में आया? तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे। तो अपन बात कर रहे हैं प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई अप टू 31 जनवरी। अब यहां लिखा हुआ है जैसे इस एग्जाम्पल में, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स बना के क्या कर रहा है, वाई को दे रहा है। तो यू आर एक्स, आप एक्स हैं, और ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंट किसका बनाना है, वाई का बनाना है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, 31 जनवरी उनका सेटलमेंट डेट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है। अब अगर मैं ट्रांजैक्शन जैसे लिखता हूँ, तो ट्रांजैक्शंस आर डेट 2 जनवरी सोल्ड टू वाई, 2 जनवरी गुड्स सोल्ड टू वाई, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट पीरियड 5 डेज और अमाउंट 1000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑन 10 जनवरी परचेज फ्रॉम वाई, क्रेडिट पीरियड 2 डेज, अमाउंट 500। 20 जनवरी कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम वाई 100 रुपीज़। 25 जनवरी सेल टू वाई, नो क्रेडिट पीरियड 2000। 29 जनवरी परचेज फ्रॉम वाई 400, नो क्रेडिट पीरियड। अब ये ट्रांजैक्शन क्या हुए, एक्स और वाई के बीच में हुए, और एक्स को क्या करना है, वाई को इंटीमेट करना है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए, किस ट्रांजैक्शन पे उसने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, और फाइनल बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है। तो ये एक क्वेश्चन हम लोगों का हो गया जिसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर अपन लोग सॉल्व करें तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, जैसे इसका ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसके आंसर में अपने को क्या करना है, अकाउंट करंट बनाना है। तो हेडिंग क्या आ जाएगा, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स, वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स अप टू 31 जनवरी, क्योंकि उनका सेटलमेंट डेट 31 जनवरी है, एंड इट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन अप टू 31 जनवरी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये तो ट्रांजेक्शन को नॉर्मल रिकॉर्ड करने के लिए, उसके अलावा इंटरेस्ट के लिए डेज और इंटरेस्ट, सेम क्रेडिट साइड में भी डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेज और इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कॉलम्स को फिल करें, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि वी आर एक्स, हम लोग एक्स हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग वाईज अकाउंट, हम लोग वाई का अकाउंट बना रहे हैं, तो ये जो बन रहा है ये वाई का अकाउंट बन रहा है। ठीक है, अभी सबसे पहले जैसे बात करें तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज
ये बहुत ज़रूरी है कि अपन कौन है, वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स, हम लोग एक्स हैं एंड वी आर प्रिपेयरिंग मिस्टर वाई इज अकाउंट, हम लोग वाई का अकाउंट बना रहे हैं. ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज वॉट, 2 जनवरी सोल्ड टू वाई, 2 जनवरी को गुड सोल्ड किया, तो सेल की एंट्री आपको आना ज़रूरी है. तो यहाँ पे डेट में मैं क्या लिखूँगा, 2 जनवरी, सेल की एंट्री क्या होगी बताओ, गुड सोल्ड किया वाई को, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पोस्टिंग करोगे तो वाई के अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा, टू सेल. और इसकी ड्यू डेट जो है ना, 5 डेज का क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब इसकी ड्यू डेट 7 जनवरी. तो ट्रांजेक्शन 2 को हुआ पर इंटरेस्ट ड्यू कब से होगा, 7 जनवरी से होगा. अमाउंट कितना है, 1000. अब जब आप डेज कैलकुलेट करोगे तो 1000 रुपीज़ पे मैं 7 जनवरी को ड्यू हो रहा है, तो सोचो 7 जनवरी को पेमेंट हो जाता तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते ही नहीं, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू कब से होगा, 8 से होगा. तो 7 जनवरी से 31 जनवरी का पेमेंट करना है. हमको नहीं पता ये पैसा कब आएगा, पर ये पक्का है कि अगर मेरा सेटलमेंट 31 जनवरी है तो सारा पैसा जो भी हो 31 जनवरी को आएगा. तो अगर 7 जनवरी अगर आपकी ड्यू डेट है तो 7 जनवरी से 31 जनवरी, और उसमें 7 जनवरी को इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू काउंट डेज फ्रॉम 8 जनवरी, तो 3, 4 और मेरे हिसाब से 24 डेज का इंटरेस्ट आएगा. तो 1000 रुपीज़ पे कैलकुलेट करो, 1000 रुपीज़ पे 12% पर एनम के हिसाब से कितना आता है, 120 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24 के हिसाब से इंटरेस्ट आता है 7.89, तो आप 2 डेसिमल तक ले सकते हो. तो इस केस में हम लोगों ने इंटरेस्ट ये मान के चार्ज कर लिया कि हमको पेमेंट कब आएगा, 31 जनवरी को आएगा, तो ये 7.89 का इंटरेस्ट हो गया. फिर 10 जनवरी को क्या है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज वॉट, 10 जनवरी परचेज फ्रॉम वाई, हमने वाई से परचेज किया है, एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा. तो 10 जनवरी बाय परचेज, और इसका 2 डेज का क्रेडिट पीरियड है, इसका मतलब यहाँ पे ड्यू डेट 2 जनवरी, गलती से भी 3 डेज मत ऐड कर लेना, क्योंकि 3 डेज तभी ऐड होते हैं जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है. और अमाउंट कितना है, 500, ठीक है. अब ये 500 का पे जो अपने को इंटरेस्ट देना है वो 12 जनवरी से कहाँ तक देना है, 31 जनवरी तक देना है, तो 12 तो आप माइनस कर ही दो, तो 31 माइनस 12 करोगे तो 19 डेज का आपको इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट करना पड़ेगा. तो अगर किसी को समझ में आता हो तो किसी भी पर्सनल अकाउंट के डेबिट साइड में रिसीवेबल्स होते हैं और क्रेडिट साइड में क्या होता है, पेबल होता है. तो ये जो इंटरेस्ट है ना ये रिसीवेबल है, डेबिट साइड में जो इंटरेस्ट है वो रिसीवेबल और क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट है वो पेबल है. किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट साइड रिसीवेबल होता है, तो डेबिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो क्या बता रहा है कि कितना इंटरेस्ट हमको लेना है, और क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो बता रहा है कि कितना इंटरेस्ट मेरे को देना है, बस उसको नेट ऑफ कर लो. तो कितना इंटरेस्ट रिसीवेबल और कितना इंटरेस्ट पेबल है उसको नेट ऑफ करोगे तो नेट इंटरेस्ट आ जाएगा. तो हमने परचेज कब किया, 12 जनवरी, एंड सेटलमेंट कब होगा, 31 जनवरी, तो मेरे को इस पे 19 डेज का इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, अलाउड करना पड़ेगा. तो 500 कैलकुलेट करो, 500 पे 12% के हिसाब से 60 डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 19 करें तो इट कम्स टू 3.12 का इंटरेस्ट आ रहा है. उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 20 जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम वाई, 20 जनवरी को कैश रिसीव हुआ, सोचो एंट्री क्या करोगे, 20 जनवरी को कैश रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, कैश अकाउंट डेबिट होगा और वाई का अकाउंट क्रेडिट होगा. तो 20 जनवरी को वी कैन राइट बाय कैश, 20 जनवरी को क्या होगा, बाय कैश. तो इस केस में क्या होगा, कितना कैश कलेक्ट हुआ था, 100 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितने डेज का आएगा, 20 जनवरी से 31 जनवरी, तो 11 डेज का इंटरेस्ट अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि सेटलमेंट कब है, 31 जनवरी, और वो पेमेंट कब कर रहा है, 20 जनवरी, तो 11 डेज अर्ली पेमेंट कर रहा है, तो वी हैव टू अलाउड इंटरेस्ट, हम लोग को इंटरेस्ट उसको अलाउड करना पड़ेगा. तो 100 रुपीज़ पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे तो इट कम्स टू 0.36. 100 रुपये पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 11 100 इंटू 12% डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 11 डेज, तो 36 आ रहे हैं, ठीक है, 2 डेसिमल तक ले रखा है.
20 जनवरी के बाद 25 जनवरी सेल टू वाई, वाई को हमने सेल किया, देखो परचेज सेल की एंट्रीज आनी ज़रूरी है, तो 25 जनवरी को हमने सेल किया, एंट्री क्या होती है, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल, और क्रेडिट पीरियड नहीं है इसका मतलब 25 जनवरी क्या ड्यू डेट है, तो 25 जनवरी से इंटरेस्ट कब तक चार्ज करोगे, अमाउंट कितना है 2000, इंटरेस्ट कितने डेज का चार्ज करोगे, 6 डेज का, 25 जनवरी से 31 जनवरी, तो ट्रांजैक्शन डेट छोड़ दो ना, 25 जनवरी के आगे 6 डेज हो गया, तो 2000 पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 6 कम्स टू 3.94। आप ये पीछे वाला जो डेसिमल है ये भी राउंड ऑफ कर सकते हो, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, तो उस मैटर पे आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, कि तो आप 3.94 भी लिख सकते हो और 3.95 भी लिख सकते हो, तो सेकंड डिजिट को आप थर्ड डिजिट से राउंड ऑफ कर सकते हो। उसके बाद 29 जनवरी परचेज फ्रॉम वाई, परचेज की एंट्री क्या होती है बताओ, 29 जनवरी परचेज फ्रॉम वाई, वाई से क्या किया, परचेज किया, क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई, तो 29 जनवरी बाय परचेज और अमाउंट कितना है 400। अब आपने परचेज किया 29 जनवरी को, क्रेडिट पीरियड नहीं है, तो 29 जनवरी इज़ व्हाट ड्यू डेट, 29 जनवरी आपके लिए क्या है, ड्यू डेट है, और इस पर 2 डेज का इंटरेस्ट लेना है, तो 400 पे 12% के हिसाब से 48 डिवाइड बाय 365 पर डे आ गया और मल्टीप्लाई बाय 2 इट कम्स टू 0.26, तो 0.26 आपका इंटरेस्ट आ रहा है, बस हो गया सारा ट्रांजैक्शन। अब आपको क्या करना है पता है, आपको जिसमें थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस होना बहुत ज़रूरी है, कॉमन वाला सेंस जिनमें भी है, आपके पास डेट और पर्टिकुलर के अलावा दोनों साइड में 3 कॉलम है, एक अमाउंट है, एक पीरियड है और एक इंटरेस्ट है, तो पीरियड का कॉलम तो बैलेंस करके कोई लॉजिक नहीं है, अब इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करें ना, तो सोचो ये बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट लेना है और ये साइड बता रहा है कि इतना इंटरेस्ट देना है, तो नेट ऑफ कर लो ना, डेबिट साइड रिसीवेबल साइड है और क्रेडिट साइड पेएबल साइड है, तो डेबिट साइड बता रहा है कितना इंटरेस्ट लेना है और क्रेडिट साइड बता रहा है कितना इंटरेस्ट देना है, नेट ऑफ कर लो, तो अगर मैं अमाउंट, अगर मुझे बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले मुझे इंटरेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस इंटरेस्ट कॉलम, तो अगर मुझे साफ दिख रहा है कि डेबिट साइड का इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो 7 पॉइंट कॉमन सेंस हमेशा साथ में रखो, 7.89 प्लस 3.95, तो ये कुछ आ रहा है तुम्हारा कितना, 11.84 इंटरेस्ट लेना है और अलाउड कितना करना है, तो माइनस कर दो 11.84, तो अपने को वाई से लेना है और देना कितना है मेरे को, माइनस करो 3.12, माइनस करो 0.36, माइनस करो 0.26, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो बैलेंस आ रहा है 8.1 बैलेंस इंटरेस्ट का, तो 31 जनवरी को मैं यहाँ क्या लिखूँगा पता है, बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट 8.1, ये बैलेंसिंग फिगर 8.1 है। अब जिसमें कॉमन सेंस है वो सोचो, अब मुझे इसको अमाउंट के कॉलम में लिखना है, तो अगर मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो डेबिट में लिखूंगा और इंटरेस्ट पेएबल है तो क्रेडिट में लिखूंगा, तो कॉमन सेंस जिसमें हो वो तो लॉजिकली सोच सकते हैं कि रिसीवेबल 11.82 है और ये सारा इंटरेस्ट क्या है, पेएबल है, तो ये जो बच रहा है ना ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मतलब एक्स को इंटरेस्ट लेना है वाई से, तो लेना है तो क्या होगा, डेबिट में आएगा ना, तो अगर मेरे लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो मैं एंट्री क्या करूंगा पता है, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि मेरे लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो ये अकाउंट बता रहा है एक्स को इंटरेस्ट लेना है वाई से 8.1, इट इज़ रिसीवेबल फ्रॉम वाई, तो एक्स के लिए ये इनकम है, तो एक्स एंट्री क्या करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो 31 जनवरी को क्या होगा, टू इंटरेस्ट 8.1। अब जिसको समझ में नहीं आया तो कॉन्ट्रा समझना फिर, कि इधर आएगा तो आपको इधर लिखना है, कॉन्ट्रा समझना है, तो लॉजिक तो सीधा सा है कि अगर इंटरेस्ट का डेबिट ज़्यादा है, क्योंकि डेबिट साइड किसी भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट साइड रिसीवेबल साइड है और क्रेडिट साइड पेएबल साइड है, डेबिट साइड रिसीवेबल साइड और क्रेडिट साइड क्या है, पेएबल साइड है ना, तो डेबिट ज़्यादा है मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, अब एक्स के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो एक्स के लिए तो इंटरेस्ट इनकम हुआ ना, तो वाई से इंटरेस्ट
रिसीव करना है, रिसीवेबल इनकम है, तो एंट्री हुई वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हुई 8.1 यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया, और नाउ वी कैन बैलेंस योर अमाउंट कॉलम। अब हम लोग अपने अमाउंट के कॉलम को बैलेंस कर सकते हैं 31 जनवरी को, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और नाउ वी कैन बैलेंस आवर अमाउंट कॉलम। तो 3000 डेबिट प्लस 8.1 का इंटरेस्ट, 3000 8.1 माइनस उसमें से 500 600 1000, तो 2000 8.1 समथिंग कुछ आ रहा है। तो अगर अब सोचो, अब जब X ये अकाउंट करंट बना के Y को सेंड करेगा, तो क्या इससे Y को पता चलेगा कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए? हाँ बिल्कुल, Y को पता चल जाएगा कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, और फाइनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस है, वो Y को क्या होगा पता चल जाएगा, और इसको यूज़ करके Y क्या कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। समझ में आया? और इसी क्वेश्चन में अगर मैं अकाउंट करंट, ये मैंने अकाउंट करंट किसके पॉइंट से बनाया, ये अकाउंट करंट हमने बनाया किसके पॉइंट से, एक्स के पॉइंट से, कि एक्स अकाउंट करंट बना के क्या कर रहा है, वाई को सेंड कर रहा है। और अगर मैं अकाउंट करंट, यही अकाउंट करंट ये मान के बनाऊं कि वाई बना रहा है, वेट, ओके यही सेम ट्रांजैक्शन। अब सोचो इस केस में इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर टू, प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय एक टू सॉरी प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय वाई टू एक्स, टू बी रेंडर्ड बाय वाई टू एक्स, कौन रेंडर कर रहा है, वाई रेंडर कर रहा है किसको, एक्स को, मतलब वाई बना रहा है। तो अब अगर इसी का मैं अगर अकाउंट करंट बनाऊंगा तो क्या होगा पता है, हेडिंग क्या चेंज, हेडिंग क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ बताओ, हेडिंग क्या लिखेंगे, वेरी गुड, एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई। समझ में तभी आएगा जब नॉर्मल स्पीड पे देखोगे और कॉन्सेंट्रेटेड हो तो बेटर है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स इन अकाउंट करंट विथ वाई अप टू 31 जनवरी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। अब हम लोग कौन है, वाई, अब हम लोग वाई की बुक में है, तो हर ट्रांजैक्शन वाई के पॉइंट से सोचेंगे, और अकाउंट किसका बना रहे हो आप, एक्स का बना रहे हो। तो बेसिक फॉर्मेट आपका वही, क्या क्या फॉर्मेट में आने वाला है, डेट फॉर्मेट में, चलो साफ सुथरा बनाते हैं, ये आपका डेट आ गया, इस पर्टिकुलर अमाउंट डेज इंटरेस्ट, और इसी तरह से क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज एंड इंटरेस्ट। अब फर्क इतना सा है कि हम लोग जो है वो किसकी बुक में है, वी आर इन द बुक्स ऑफ, इस तरह से काम किया करो, नीट एंड क्लीन। सो नाउ वी आर इन द बुक्स ऑफ वाई, और अकाउंट किसका है, एक्स का है। तो जिस एंट्री में एक्स का अकाउंट डेबिट होगा तो डेबिट में आएगा, एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में आएगा। तो क्या लिखूं यहां पे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेज और इंटरेस्ट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेज और इंटरेस्ट, ओके कॉन्सेंट्रेटेड रहना। नाउ वी आर इन द बुक्स ऑफ वाई, हम लोग वाई हैं, और अकाउंट किसका बना रहे हैं, एक्स का बना रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट बात करें तो पहला क्या था, अब हर ट्रांजेक्शन को वाई के पॉइंट से सोचना, चलो जल्दी से फटाफट से अच्छे बच्चों के जैसे सोचो। 2 जनवरी सोल्ड टू वाई, गुड सोल्ड टू वाई, एक्स ने वाई को सेल किया तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल है, वाई के लिए क्या है, परचेज है। तो इसके लिए वाई एंट्री क्या करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो यहां पे क्या होगा, 2 जनवरी को बाय
परचेज जिसका ड्यू डेट 5 डेज के क्रेडिट पीरियड की वजह से 7 जनवरी है, इसका अमाउंट 1000 है। अब आपको क्या करना है, ये तो हुआ ट्रांजैक्शन नॉर्मल वे से रिकॉर्ड। क्या किया था, एक्स ने सेल किया था तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री हो रही थी वाई टू सेल, पर मैं वाई की बुक में हूँ तो वाई तो परचेज की एंट्री क्या करेगा, वाई परचेज की एंट्री करेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स और एक्स के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और डेज कैलकुलेट करोगे तो वही 7 जनवरी से कहाँ तक लेना पड़ेगा, 31 जनवरी और इट कम्स टू 24, और इंटरेस्ट हम लोग यहीं से टीप लेते हैं, इंटरेस्ट आएगा 7.89, आप कैलकुलेट करना है ना, 7.89 का इंटरेस्ट आएगा। अगला ट्रांजैक्शन क्या था, परचेज फ्रॉम वाई, इसका मतलब एक्स ने परचेज किया, वाई ने क्या किया, सेल किया, तो वाई ने सेल किया तो वाई एंट्री क्या करेगा बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एक्स के डेबिट साइड में आएगा 10th जनवरी, और ड्यू डेट 2 दिन की क्रेडिट की वजह से 12th जनवरी, अमाउंट कितना है इस केस में 500, पीरियड कैलकुलेट करोगे तो 12th जनवरी से कब तक लेना है अपने को, 31st जनवरी तक, 8, 9, 19 डेज, और 19 डेज का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 3.12। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज व्हाट, 20th जनवरी, कैश रिसीव फ्रॉम वाई, तो एक्स को कैश रिसीव हुआ था, मतलब वाई ने कैश पेमेंट किया था, सोचो वाई ने पेमेंट किया है एक्स को, कैश पेड टू एक्स है जिसकी एंट्री होती है एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20th जनवरी, इसका यही ड्यू डेट है, अमाउंट 100 है, डेज कैलकुलेट करोगे 11 आएगा, और 11 डे पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 0.36। फिर उसके बाद में 25th जनवरी, सेल टू वाई, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल टू वाई था, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज फ्रॉम एक्स, जिसकी एंट्री क्या होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और एक्स का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बाय परचेज 25th जनवरी, अमाउंट कितना है 2000, पीरियड कैलकुलेट किया 6, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 6 डे का 3.95, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना है ना। और 29 जनवरी, परचेज फ्रॉम वाई, एक्स ने परचेज किया दैट मीन्स वाई ने सेल किया, और वाई सेल की एंट्री क्या करेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, यहाँ पे 29th जनवरी, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल, तो एक्स के डेबिट साइड में आ जाएगा 400, 2 डेज, तो 400 पे 2 डेज का इंटरेस्ट 0.26, वेट, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया, पीरियड कैलकुलेट कर लिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, अब बैलेंस करने के लिए क्या करना है बताओ, बैलेंस करने के लिए मुझे 2 कॉलम है, एक कॉलम किसका है, एक कॉलम है इंटरेस्ट का, और एक कॉलम किसका है अमाउंट का, तो हम लोग अमाउंट से पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम लोग अमाउंट से पहले बैलेंस किसको करेंगे, इंटरेस्ट को बैलेंस करेंगे, तो डेबिट साइड में जो है वो रिसीवेबल है और क्रेडिट साइड में जो है पेबल है। अब देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेबिट साइड के बजाय क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मतलब ये जो इंटरेस्ट है ना ये सारा इंटरेस्ट क्या है, पेबल है, मतलब वाई के लिए एक्स को इंटरेस्ट पेबल है, तो कितना इंटरेस्ट पेबल है देखो बेटा 7.89, क्रेडिट साइड में देखो कितना इंटरेस्ट पेबल है, अगर हम लोग बात करें कितना इंटरेस्ट पेबल है, देखो इंटरेस्ट पेबल कितना है, अरे देखो ना, क्रेडिट साइड में पेबल होता है तो 7.89,
प्लस 3.95। पहले क्यों क्रेडिट साइड का टोटल कर रहे हैं, वो ज़्यादा है इसलिए, तो इट कम्स टू 11.84। और बैलेंस करने के लिए उसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, 3.12 माइनस कर दो, 0.36 माइनस कर दो और 0.26 माइनस कर दो, तो बैलेंस आ रहा है 8.1। और इसको क्या लिखूंगा मैं 31 जनवरी को, टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। अब जिसमें कॉमन सेंस हो वो सोचो कि ये मैं लिख डेबिट साइड में रहा हूँ तो डेबिट साइड शॉर्ट है, क्रेडिट साइड हायर है, तो यहाँ पे ये लग रहा है कि 8.1 जो है ना इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल टू एक्स 8.1। अब जब इंटरेस्ट आता है ना तो इनकम होती है, इंटरेस्ट जब हमको किसी को देना है तो एक्सपेंस, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो सोचो इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स, क्योंकि ये इंटरेस्ट हमको एक्स को पेबल पे करना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंस है एंड टू पेबल टू एक्स। तो ये मैं एक्स के अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 जनवरी को लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट, और अमाउंट कितना आ रहा है 8.1। और नाउ वी कैन बैलेंस अमाउंट कॉलम, तो 31 जनवरी को नाउ आई कैन बैलेंस। ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरेस्ट का बैलेंस आएगा वही अमाउंट का बैलेंस आएगा, जिधर जो बैलेंस आएगा वही लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड में दिख रहा है 3000 8.1, तो 3000 8.1 में से 600 और 1000 माइनस करना है ना, 5 6 माइनस 1000 वही आएगा 2008.1। अब सोचो जो लोग सोचते हैं कि ये अकाउंट करंट बना के जब वाई एक्स को रेंडर करेगा तो एक्स को सारे ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे, किस ट्रांजैक्शन पे कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो पता चल जाएगा, और फाइनली इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना बैलेंस है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अकाउंट करंट। तो ये फॉर्मेट था जब अकाउंट करंट एक्स बना के वाई को सेंड कर रहा था, तो उस केस में वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स और हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, वाई का। और ये फॉर्मेट है जब वाई अकाउंट करंट बना के, वाई एक अकाउंट करंट बना के किसको सेंड कर रहा है, एक्स को सेंड कर रहा है, तो वी आर इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड प्रिपेयरिंग, वाई एक अकाउंट करंट बना के एक्स को सेंड कर रहा है, तो वी आर इन द बुक्स ऑफ वाई एंड प्रिपेयरिंग एक्स अकाउंट। तो ये बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो आपको अटेम्प्ट करना है, तो एग्जाम्पल नंबर थर्ड हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल के दो पार्ट हो गए ना, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है ना। ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे एक्स अकाउंट एक्स बना रहा हो और जैसे वाई बना रहा हो, तो एक में एक्स का अकाउंट बनेगा एक में वाई का अकाउंट बनेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन, कौन ले रहे, फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अप टू 31 मार्च 2021। फॉलोइंग अदर ट्रांजेक्शन बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अप टू 31 मार्च 2021, तो आपको अकाउंट करें 31 मार्च तक बनाना है। ओके, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ 1 जनवरी, गुड्स सोल्ड बाय, ओहो, गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी रुपीज 1000। 1 जनवरी गुड सोल्ड बाय ए टू बी 1000, और यहां पे लिखते हैं क्रेडिट पीरियड
सेवन डेज, ये क्रेडिट पीरियड का कॉलम हो गया, 7 दिन का क्रेडिट पीरियड है, मतलब ये 1 जनवरी को ट्रांजैक्शन हुआ पर ड्यू कब होगा, 8 जनवरी को होगा, तो पीरियड 8 जनवरी से काउंट करना पड़ेगा। फिर 15 जनवरी, गुड्स सोल्ड बाय बी टू ए ₹200 एंड क्रेडिट पीरियड इज 5 डेज। 21 जनवरी, कैश पेड बाय बी टू ए ₹300, क्रेडिट पीरियड इसमें तो होगा भी नहीं, नॉर्मल है 21 जनवरी से ही क्या होगा पीरियड काउंट होगा, ठीक है बेटा। और फिर लेते हैं 1 फेब, गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी ₹2000, क्रेडिट पीरियड 10 डेज। 15 फेब, कैश पेड बाय बी टू ए 500। 1 मार्च, गुड सोल्ड बाय, गुड सोल्ड बाय बी टू ए 15 डेज। 15 मार्च, कैश पेड बाय ए टू बी 300, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है और यू आर रिक्वायर्ड। टू प्रिपेयर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1st अकाउंट करंट टू बी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, चलो साथ में ले लेते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी टू बी रेंडर्ड 1st बाय ए टू बी एंड 2nd बाय बी टू ए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% पर एनम। अब जो समझदार है उनको समझ में आना चाहिए कि इस केस में प्रिपेयर एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय ए टू बी, ए बना के बी को दे रहा है, मतलब आप ए की बुक में यू आर प्रिपेयरिंग बीज अकाउंट, हेडिंग आएगा बी इन अकाउंट करंट विद ए। और इस केस में अगर मैं बात करूं तो यू आर इन द बुक्स ऑफ बी और आप अकाउंट किसका बना रहे हो, ए का बना रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग डालना पड़ेगा ए इन अकाउंट करंट विद बी, और दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 18% पर एनम है, समझ में आया। तो इस एग्जांपल को दो तरह से अटेम्प्ट करना है, एक तो ए अगर अकाउंट करंट बना के बी को देगा तो कैसा बनेगा, और दूसरा बी अगर अकाउंट करंट बना के ए को देगा तो कैसा बनेगा। और ध्यान रखना किसी भी पर्सनल अकाउंट, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर हो, डेबिट साइड में आने वाला अमाउंट रिसीवेबल है और क्रेडिट साइड में आने वाला अमाउंट क्या है, पेबल है। तो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके उन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद जब इंटरेस्ट कॉलम बैलेंस करते हो ना, तो देख लो कि कौन सा साइड इंटरेस्ट का ज़्यादा है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, अगर इंटरेस्ट का डेबिट साइड ज़्यादा है मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल है, और इंटरेस्ट अपने को रिसीवेबल है मतलब अपने लिए क्या इनकम है,
समझ में आया। तो उस केस में आपको एंट्री करनी पड़ेगी जो भी पर्सन है। तो जैसे मान लो एक्स बना रहा है और एक्स के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल है, तो वो क्या करेगा, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर वाई बना रहा है और वाई के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो वाई क्या बोलेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और अगर किसी के लिए एक्सपेंस होगा तो वो एंट्री क्या, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वाई। और अगर एक्स, अगर वाई के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स करना पड़ेगा। तो इनकम होगी तो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो पर्सनल अकाउंट डेबिट होता है। तो आपको इंटरेस्ट के कॉलम को बैलेंस करके डेबिट क्रेडिट साइड में उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि कैसे करना है। पर कुल मिला के इससे एक बेनिफिट ये है कि आपको परचेज सेल की एंट्रीज थोड़ा आना बहुत ज़रूरी, तो कॉन्सेंट्रेटेड रहना, गलती मत करना। ठीक है बेटा, चलो इसके आंसर को नेक्स्ट लेक्चर में कंसीडर करते हैं और कुछ आगे और बात करेंगे कि अकाउंट करंट बनाने के कितने मेथड्स हैं। तो अभी हम लोग जनरल डिस्कशन कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि अकाउंट करंट कितने मेथड्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय।